सेंट्रल पुलिस ऑफिस में हेड कांस्टेबल से एएसआई के ओहदे पर तरक्की पाने वालों के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर पुलिस के प्रमोट होने वाले 50 एएसआईज को नए ओहदे के रैंक लगाए। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राणा की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में हेड कांस्टेबल से एएसआई प्रमोट होने वाले अफसरान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी, एआईजी डिसिप्लिन एहसन सैफुल्ला समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर पुलिस के प्रमोट होने वाले 50 एएसआईज को नए ओहदे के रैंक लगाए। प्रमोट होने वालों में ऑपरेशन विंग के 28, इन्वेस्टिगेशन के 13 और एलीट फोर्स के 4 एएसआईज शामिल हैं, जबकि सीसीपी ऑफिस के 2, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के 1, सीआईए 1 और नेशनल हाईवे अथॉरिटी में तैनात 1 एएसआई शामिल है। प्रमोट होने वाले एएसआई के बच्चों, अहले खाना और अजीज अकारिब ने भी तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की। आईजी पंजाब ने तरक्की पाने वाले एएसआईज को मुबारकबाद दी और मजीद तनदही से फराइज सर अंजाम देने की भी हिदायत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक तमाम अजला में तरक्की का अमल जारी है। महकमाना तरक्की और वेलफेयर इकदामात का फायदा सबसे पहले अच्छी परफॉर्मेंस की सूरत में शहरियों को मुंतकिल करें। आईजी पंजाब ने कहा कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। खवातीन, बच्चों और दीगर कमजोर तबकात को हर मुमकिन मदद, तावुन, समाजी तहफ्फुज और तावुन फराहम किया जाए, जबकि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत शहरियों को खुश इखलाकी के साथ बेहतरीन खिदमात मुहैया की जाएं।